स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान किस्मत और कूटनीति की। जिस देश की 70% आबादी किसानों की हो और वहां का किसान भूखमरी को मजबूर हो और आत्महत्या करने को मजबूर हो, तो निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि कुछ नीतियों में खोट है और उस नीतियों को बदलने की जरूरत है। जी हां, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि भारतीय मानसून जो है वो किसानों के साथ या कृषि के साथ जुआ है, लेकिन इस जुआ से निपटने के लिए आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी तरह की कोई कानून या कोई फार्मूला अब तक जो है सामने नहीं लाया जिसके आधार पर इस जुए से बचा जा सके। जी हां, भारत का किसान यह जुआ खेलने पर मजबूर है और आत्महत्या करने को मजबूर है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियो में रविंद्र भाटी जो कि किसानों के नेता हैं, और हमारे साथ बीजेपी के सांसद उदित राज दिल्ली से जुड़ेंगे। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे नावेद सिद्दीकी जी, और उसके बाद दिनेश दुबे जी भी वो हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। इसके बाद बाकी नेताओं भी हमारे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे बारी बारी से, लेकिन फिलहाल बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले चलते हैं लोकसभा, जहां आज राहुल गांधी छुट्टी के बाद जब लौटे हैं तो थोड़े बदले तेवर में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने किसानों पर चर्चा की और जो भूमि अधिग्रहण बिल है उस पर चर्चा की और सरकार पर तीखे हमले भी किए। आप लोगों की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, वो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बड़े लोगों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं। ओला पड़ा, बारिश पड़ी और किसान का नुकसान हुआ। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है, 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहते नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत हैं। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ है। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। ये थे राहुल गांधी जो कि आंकड़ों के साथ आज पहली बार लोकसभा में बोलते नजर आए भूमि अधिग्रहण बिल पे, लेकिन आंकड़ों में कुछ कमी नजर आई बीजेपी के नेता और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आंकड़ों पे सफाई दी। पहले उनको भी सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सहयोगी रचना मिश्रा भी हमारे साथ हैं, वो बताएंगी आपको कुछ आगे कहा, लेकिन पहले सुनते हैं राधामोहन सिंह ने क्या सफाई पेश की। एजेंसी ठीक नहीं रही होगी, ये 180 लाख हेक्टेयर का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेयर का बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेयर बताया था। कृपया इसको सुधार कर दो, कृपया इसको सुधार कर दो। रचना मिश्रा, और आपको बताती हूँ कि आखिरकार जो किसानों से जुड़ी आत्महत्याओं का आंकड़ा है वो कैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि 2014 में कुल 1981 किसानों ने मौत को गले लगा लिया था। वहीं साल 2014 में विदर्भ क्षेत्र की बात करें तो 1097 किसानों ने खुदकुशी कर ली थी, और इसके बाद मराठवाड़ा की अगर बात करें तो वहां 574 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। और साल 2015 की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक विदर्भ में 319 किसानों ने मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो 215 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 4 दिनों की ही अगर बात कर लें तो अब तक 30 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, फसलों की बर्बादी और मुआवजे के ना मिलने के चलते। और साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो 3 महीने में 601 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो किसानों की आत्महत्याओं का
जो क्रम है एक तरीके से वो बिल्कुल जारी है। अगर पिछले साल की तुलना की बात करें तो इस साल किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा करीब 30% तक बढ़ गया है। तो ये थे किसानों की आत्महत्याओं से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो हमने आप तक पहुंचाए कि किस तरह से किसानों की आत्महत्या जो लगातार देखने को मिल रही है। आए दिन इस तरह की खबर मिलने सुनने को आती है कि किसानों ने फसलों की तबाही के चलते आत्महत्या कर ली। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मुकेश हमारे साथ हैं, वो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद रचना। सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम चलते हैं उदित राज जी के पास, बीजेपी के सांसद हैं, उनसे पूछते हैं सवाल। उदित राज जी स्वागत है आपका, वंदे मातरम में आवाज मिल रही है। उदित राज जी से अभी लगता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाटी जी हमारे साथ मौजूद है, रविंद्र भाटी जी। रविंद्र भाटी जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि जिस तरीके से किसान अपनी समस्या को लेकर के जो है लगातार आंदोलनरत हैं, आप भी आंदोलन करते रहे, आज भी आपने आंदोलन किया है, लेकिन एक बात यहां पे आती है कि 70% आबादी किसानों की है, फिर भी राजनीतिक रूप से काफी कमजोर एक तरह से कहें जो किसान को कह सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में किसान कहीं अपनी एकजुटता नहीं दिखा पाते हैं और वोट बैंक की राजनीति में जो बार्गेन की शक्ति है किसानों की, वो एकजुटता के कारण कहीं दिखती नहीं है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं किसानों में एकजुटता की कमी है, तभी राजनीतिक पार्टियां उसका फायदा उठा लेती है? किसान तो राजनीतिक पार्टी तो है नहीं कि वो सोच समझ के किसी में उसमें एकजुटता लाए या किसी एक मिशन को लेकर चले। उनको तो सुबह उठ के अपने खेत का, अपने बच्चों के पालन पोषण का, अपनी फसल का ध्यान, उसके अलावा शायद उनका ध्यान नहीं जाता। जब चुनाव आता है, जब हर पार्टी तरह तरह के प्रलोभन देकर किसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और शायद यही कारण रहा कि इस बार मोदी जी के लुभावने भाषणों की वजह से किसान उधर डाइवर्ट हो गया और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन सच्चाई तो ये है मुकेश जी कि इस बार ना तो केंद्र की सरकार किसान के साथ है और ना ही भगवान उसके साथ है, क्योंकि भगवान भी साथ छोड़ देता है तो किसान पे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। बिल्कुल, देखिए आज मोदी सरकार, जरूर आप कह रहे हैं कि मोदी जी के हम बहकावे में आ गए या उनके झूठे वादे में आ गए और मोदी सरकार केंद्र में आ गई, लेकिन इससे पहले जितनी भी सरकार थी, 65 साल से ज्यादा की सरकार है कांग्रेसों की रही है, और आप लगातार किसी न किसी तरीके से खासतौर पर किसानों की भूमिका उस सरकार में रही है, और जो भूमि अधिग्रहण कानून है 65 वर्ष के बाद 2013 में आकर के बना था, तो इससे पहले किसानों ने अपनी एकजुटता दिखा करके इस अधिग्रहण में लिया, कोई अलग से कानून बने, जो 1894 का जो कानून था वही चलता आ रहा था, तो उसके विरोध में किसान तभी एकजुट क्यों नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, 2013 में जो कांग्रेस का भूमि अधिग्रहण बिल आया था, बीजेपी ने भी सहमति दिखाई थी उसको, और उसको लेकर के इस बार 2015 में फिर से लोकसभा में संशोधन पेश किया जा रहा है। किसानों के जो नेता हैं वो 2013 के जो यूपीए सरकार की बिल है उसका भी वो विरोध कर रहे हैं, जो 2015 का जो बिल है उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास यदि फार्मूला नहीं है, तो क्या किसान संगठन के पास कोई फार्मूला है जिस फार्मूले को लेकर वो सरकार के पास जाए और कहे कि ये फार्मूला है मेरा, आप ये फार्मूला मान लो तो फिर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं? दरअसल 2013 का जो कांग्रेस सरकार का जो भूमि अधिग्रहण बिल था, उसमें भी किसानों से सुझाव लिए गए थे, उन्होंने सुझाव दिए थे, और उस टाइम के इस बिल पर बीजेपी ने भी मेजर थपथपाई थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे वही लोग आनन फानन में उसको अध्यादेश लाकर और बिल्कुल एक अलग तरह का बिल पेश कर दिया, जबकि उसमें सहमति थी किसानों की 70% 80% सहमति ली जाएगी और 6 महीने पहले कम से कम किसानों को सूचना दी जाएगी कि आपकी जमीन अधिग्रहण होने वाली है, और कोर्ट में जाने का भी अधिकार था। यदि कोई किसान संतुष्ट नहीं है अधिग्रहण से तो कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन अब तो कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं है। मतलब उसके विपरीत, उसके विपरीत क्या होता है, किसान मरने की स्थिति में कब आता है? एक तो उसका खेत अधिग्रहण हो गया, लेकिन इसकी आड़ में ये जो इस तरह का कानून है, काला कानून है, इसकी आड़ में उसका घर भी एक बार कर लिया जाता है, और उसी के कारण नोएडा के अंदर भट्टा पार्सल और आपके घोड़ी बसेड़ा कांड हुआ। बिल्कुल सही बात कहनी, मैं आपको मैं बता दूं, चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ लखनऊ से गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, नावेद साहब हैं हमारे साथ, इसके अलावा दिनेश दुबे जी जो बीजेपी से हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम वंदे मातरम में। दुबे जी, क्या आवाज मिल पा रही है आपको?
हाँ सुनाई पड़ रही है, कुछ धीमी सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल सिद्दीकी साहब और धीमी सुनाई दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे भूमि अधिग्रहण बिल पे, आपको क्या लगता है जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से वो आपत्तियां सही है या बीजेपी जो डिफेंड कर रही है, बीजेपी के डिफेंड में कुछ दम है और आपको लगता है कि एक संशोधन के बाद मिल बैठ करके पक्ष विपक्ष को किसानों के हित में कोई एक फार्मूला निकालना चाहिए ताकि इंडस्ट्री भी लगे इस देश में और किसानों का भी अहित ना हो? देखिए राहुल जी जो बोल रहे थे, राहुल जी सरासर झूठ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, राहुल जी किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान का कोई अगर हित किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। जो 2013 का चुनाव था और चुनाव के पहले इन्होंने जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया वह किसानों को लुभाने के लिए, किसानों के लिए हित के लिए नहीं किया, किसानों को नुकसान करने के लिए किया, किसानों की जमीन को अजगर करने के लिए इन्होंने जो कानून बनाया था उसमें कुछ किसान का फायदा नहीं होने वाला था। लेकिन जो 2017 का जो 2014 का बिल है वो किसानों के हित में है। और सिद्दीकी साहब आप सुन रहे हैं दुबे जी, क्या दिनेश दुबे जी जो बोल रहे हैं, क्या आप दिनेश दुबे जी की बात से सहमत हैं? आपको लगता है बिल्कुल सही कर रही है बीजेपी? हेलो सिद्दीकी साहब, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? लगता है सिद्दीकी साहब हमारी आवाज नहीं पड़ रही। रविंद्र भाटी जी से हम बात करेंगे। रविंद्र भाटी, जिस तरीके से दिनेश दुबे जी बोल रहे थे, क्या आप सहमत हैं उनकी बात से? मैं दुबे जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये टोटल का टोटल जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश आया है ये टोटल किसान विरोधी है। इसमें किसानों की हित की मुझे बता दीजिए ना, कौन सी बात है? आपकी जमीन आपकी माता है, उसके बारे में आपसे पूछा भी नहीं जा रहा अगर अधिग्रहण की जाएगी, क्या रेट दिया जाएगा और उसमें यदि कोई संतुष्टि नहीं है तो जाने का भी ये तो अभी तय नहीं। जब जिस दिन आपका जमीन आप अधिग्रहित की जाएगी आपकी जमीन, उस दिन आपको रेट भी बता दिया जाएगा, उस दिन बाकी जो आपकी इंक्वायरी वो क्वेरीज है वो भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी तो ये बिल और विधेयक के फॉर्मेट में है, अभी ये कानून नहीं बना है, अभी लोकसभा में पेश हुआ है, लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में पास होने की भी स्थिति नहीं है और उसके लिए सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है और संशोधन इसीलिए मंगवाए भी जा रहे हैं। एक चीज जो आपने कही कि किसानों के हित में नहीं किया जा रहा है, जो मोदी जी ने कल सफाई दी थी इस बिल को लेकर के, काफी लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्तियां उन तक भी पहुंच रही हैं और उन्होंने जो सफाई दी थी शायद उसको वो आपको मैं एक बार बता दूं, थोड़ा ब्रीफ कर दूं आपको। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है ये जो जमीन है वो जमीन ली जाएगी, सरकारी जमीन ली जाएगी, किसानों की जमीन नहीं ली जाएगी। दूसरी बात, जब सरकारी जमीन खत्म हो जाएगा तो फिर जो बंजर लैंड है, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तब किसानों के जो जमीन है उसको अधिग्रहित करने की कोशिश की जाएगी, जो कृषि योग्य भूमि है उसको अधिग्रहित करने की कोशिश की जाएगी। यानी जो संभावना है वो काफी कम है, आप कहें जो 0.2% से भी कम संभावना है कि किसानों के एग्रीकल्चर लैंड को सरकार जो है अधिग्रहित करेगी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले जो चीज सामने है उसको देख करके नहीं लगता है कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही और किसानों की जमीन हड़प रही है? जिस तरीके का विरोध हो रहा है, मैंने बहुत सारे नेताओं से भी बात करी आज दिन में फोन पे, किसान नेताओं से, उनको भूमि बिल के बारे में ना तो 2013 के यूपीए के बिल के बारे में पता है और ना ही 2015 के बिल के बारे में पता है। आप जैसे नेता विरोध करने के लिए जब सड़क पे आते हैं तो आपके साथ फॉलोअर बन के चले जरूर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आखिर विरोध हम किस बात का कर रहे हैं। भाटी जी, आप एक चीज आप साफ कर पाएंगे कि जब आपके फॉलोअर आपके साथ सड़कों पर उतरते हैं तो उनको आप पहले से ब्रीफ करते हैं कि हम इस मुद्दे पर इस पॉइंट पे जाकर के सरकार का विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हम आपको अपने साथ धरना प्रदर्शन पर ले जा रहे हैं? बिल्कुल मुकेश जी, हम जब भी आज हमने धरना प्रदर्शन किया इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ, उससे पहले एक महीने हम गांव जा जाकर लोगों की बातें सुनी, उनको समझाया, उन्होंने भी हमें बताया, ये किसानों ने बताया, आप गांवों का दौरा करें और ऑफिसों में बैठ के या उसमें एसी रूम में बैठ के या कॉरपोरेट कंपनियों में बैठ के किसानों की समस्या को पता नहीं चल पाएगा। अगर पहले सरकार अपनी भूमि को अधिग्रहित करके इंडस्ट्री को देती है, मुकेश जी एनसीआर में कृषि भूमि है टोटल बंजर भूमि, मुझे आप मेरे साथ चलिए मुझे बता दीजिए कितनी एनसीआर में, तो पहले लगाने ही नहीं जा रही है वो, जहां जितने हो गए उतने, आप तो ये तो दूसरे राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, आप जहां विरोध कर रहे हैं वहां तो कोई प्रपोजल भी सरकार का नहीं है।
आप बताइए कि नोएडा में कौन सा प्रपोजल सरकार का है जो अधिग्रहण करने के लिए जा रही है, कौन सा बताइए, कोई अभी तो प्रपोजल अभी तो मिली नहीं है, प्रपोजल कहां से आएगा? प्रपोजल नहीं है, डायरेक्ट रजिस्ट्री कर रहे हैं बैठा बैठा आज किसानों। नहीं नहीं नहीं, ये चीज लेटर नोट अथॉरिटी में आपके लिए, मैं आपको बताता हूँ, ये अफवाहें हैं जो कि फैलाई जा रही हैं। अभी कोई इंडस्ट्री भी नहीं आया है भाटी साहब, मैं आपसे कोई ऐसा नहीं कि मैं पक्ष लेके बोल रहा हूँ, कोई ऐसा प्रपोजल भी नहीं है सरकार के पास कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री खड़ी करने जा रहे हैं और यहाँ मुझे जमीन चाहिए, कोई भी नहीं। अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन तो मैं आपको विद सबूत मैं आपको बता दूंगा, 3500 रुपए मीटर के हिसाब से डायरेक्ट रजिस्ट्री ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। कोई प्राइवेट व्यक्ति या अधिकार का वो दूसरे रीजन भी उसके हो सकते हैं, लेकिन इस अधिग्रहण का जो अधिग्रहण आप बता रहे हैं उसका इस इंडस्ट्री डेवलपमेंट से सरकार से मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं। अब लगता है हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं उदित राज जी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या पीसीआर हमें कंफर्म करेगा? अच्छा सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए, सिद्दीकी जी स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम वंदे मातरम में। सिद्दीकी जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है सिद्दीकी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, भाटी जी से ही हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। और पीसीआर को मैं ये भी कहूंगा, जरा कांग्रेस नेताओं को भी फोन लगाए, आज उनके नेता काफी लोकसभा टीवी पर चमक रहे थे। भाटी जी बताएं, जिस तरीके से 2013 और 2015 ये दोनों जो बिल हैं, मूल रूप से क्या आपको बताया कि इसमें क्या क्या अंतर? वैसे हमारे पास एक समझाने के लिए एक ग्राफिक्स भी है, पहले हम वो पीसीआर को बताएंगे कि वो ग्राफिक्स वाला पैकेज दिखा दे हमारे दर्शकों को कि 2013 के यूपीए के भूमि अधिग्रहण बिल और 2015 के बीजेपी का जो ये भूमि अधिग्रहण बिल है उसमें क्या अंतर है। एक पैकेज एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद भाटी जी के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। देश के अन्नदाता माने जाने वाले किसान बेबस हैं और शायद बदकिस्मत भी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां इनकी फसलें तबाह हो गई हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में किसानों की आत्महत्या का ग्राफ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इधर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा है। सरकार के बदलते ही बदल गया भूमि अधिग्रहण का कानून। आइए आपको बताते हैं कि यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून और मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में क्या अंतर है। 2013 में आया यूपीए सरकार का भूमि अधिग्रहण कानून। भारत में 2013 कानून के पास होने तक भूमि अधिग्रहण का काम 1984 में बने कानून के दायरे में होता था। ये कानून जबरन जमीन लिए जाने की स्थिति को रोकने में मददगार था। गांव की जमीन अधिग्रहित करनी है तो गांव के 70% किसानों की सहमति जरूरी थी। 5 वर्ष तक भूमि पर कोई भी काम न होने पर भूमि वापसी का प्रावधान था। 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सिर्फ बंजर भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता था। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसान कोर्ट जा सकते थे, कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। मोदी सरकार का भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, सरकार ने 2014 में अध्यादेश बनाया जिसमें 2013 के कानून व्यवस्था को बदलते हुए किसान विरोधी निर्णय लिया गया। नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमति जरूरी नहीं है। मोदी सरकार के अध्यादेश में उपजाऊ एवं सिंचित भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। इस नए कानून में किसान भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, यानी किसान की सुनवाई अब अदालत में भी नहीं होगी। तो देखा आपने कितना अंतर है दोनों सरकारों के भूमि अधिग्रहण में। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है विवाद जिसको लेकर किसानों में रोष है तो वहीं राजनीति भी गर्म है। क्या है विवाद? सरकार निजी कंपनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होगी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में हर हाल में भूमि अधिग्रहण किया जाना चाहिए। 5 साल के भीतर जमीन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो जमीन वापस कर दी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में भूमि के इस्तेमाल न होने पर भूमि की वापसी नहीं, इस मामले को कोर्ट ले जाने की आजादी थी, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में बिना सरकार की इजाजत के कोर्ट जाने की आजादी नहीं। यूपीए सरकार के कानून में बंजर भूमि लेने का प्रावधान था, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के अध्यादेश में उपजाऊ भूमि का भी अधिग्रहण किया जाएगा। भूमि के बदले किसानों को सही मुआवजा दिया जाए तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के भूमि अध्यादेश में मुआवजे का कोई बदलाव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। देखा आपने कि किस
तरह का अंतर है 2013 के बिल में और जो अध्यादेश अब सरकार लेकर आई है उसके बीच में। और आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें उस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। नावेद सिद्दीकी जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? नावेद सिद्दीकी जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हेलो, लगता है हमारा तकनीकी खराबी के कारण नहीं पहुंच पा रही है आवाज। और आइए आपको सुना देते हैं आज मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर। ये किसान आधारित देश है और ये जमीन घटी वैसे ही किसानों की 30% पूरे देश की हिंदुस्तान की जमीन घट रही है। बेरोजगारों को रोजगार देगा और क्या क्या करेगा, उद्योग क्या क्या लगाएगा, कहाँ कहाँ लगाएगा। ये किसान वाला मुद्दा देश का मुद्दा है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है देश का। देश को कहाँ ले जा रहे, देश को भूखों मारेंगे। हाँ नहीं, 50 साल बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा। और आइए आपको अब सुनवा देते हैं मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर। मीनाक्षी लेखी की जो उनका कहना है, बयान जो उन्होंने दिया है उसको भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। हर युवा का एस्पिरेशन है कुछ करने का, वहां तक रोजगार कैसे ले जाया जाए, वहां तक डेवलपमेंट कैसे ले जाया जाए, ये तभी संभव है जब वहां पर उद्योग आ सकेंगे, जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चाहिए होती है, खेती के लिए भी जमीन चाहिए होती है, पानी के लिए जमीन चाहिए होती है। इन सबसे लाभ किसानों को होगा, उनके परिवारों को। तो सुना आपने राठौर जी का क्या कहना है और आइए अब आपको सुनवाते हैं मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। बिल्कुल गलत बेबयानी है, जिस तरीके की बेबयानी इन्होंने संसद में की वैसी ही बेबयानी बाहर आकर भी की। जो ये बाल की खाल निकालने में लगे हुए हैं, तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाले जो उक्ति है उसको भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सबसे अधिक किसान जो है खेतीहर मजदूर इनके समय काल में बना। इनके समय काल में जो पैसा गया किसान के लिए वो किसान तक पहुंचा नहीं, बल्कि तमाम पैसे के जितने घपले घोटाले थे वो हुए। तो सुना आपने मीनाक्षी लेखी का क्या कुछ कहना है। और आपको सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां दिनेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, इस पूरी चर्चा में शामिल है वो हमारे साथ और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश, जिस तरीके से आप सुन रहे थे मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से, हालांकि बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए तो लगातार कह रही कि ये जो अधिग्रहण बिल है, वो अध्यादेश है, वो पूरी तरीके से किसानों के हित में है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी प्रदर्शन नहीं रुक रहा है, हर तरफ त्राही त्राही मची है किसानों में इस भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, फिर आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। देखिए मुलायम सिंह जो बात कर रहे हैं, इन्होंने आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे किसानों की कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी है, ये क्या बोलेंगे। ये तो किसानों के नेता कहे जाते हैं, मानते हैं अपने आप को, लेकिन किसानों का इन्होंने अधिग्रहण करते समय दिन कौड़ियों के भाव जमीन खरीदा है, तो ये किसानों के इंटरेस्ट हो ही नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो यह बिल, अधिग्रहण बिल पास किया है, यह किसानों के हित में है। और 2013 का जो बिल था वह किसानों के हित में नहीं था, और किसानों का यह जो बिल है पूरी तरह से किसानों के हित में है, और किसान के बच्चों को रोजगार मिलने वाला है, किसान को 4 गुना कीमत इसके मुआवजे के साथ मिलेगी। लेकिन दिनेश जी मैं मानती हूँ कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों में ये इस बात का भी रोष है कि पहले किसान कोर्ट का सहारा ले सकते थे, लेकिन अब ना तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ना ही किसी तरह के इंसाफ की मांग कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि संशोधन में ये भी बात आई है, कोई भी किसान कोर्ट जा सकता है, किसान को जाने के लिए कोई रोक नहीं है। ये केवल राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं और जो विरोधी पार्टियां हैं तो किसान विरोधी वो प्रचार कर रही है, लेकिन मोदी जी ने कहा कोई किसान जाना चाहता है तो कोर्ट जा सकता है। दिनेश जी बिल्कुल हम सुन रहे हैं आपकी बात को और आप जो कह रहे हैं उससे सहमत भी है, लेकिन क्या आपको लगता है जो बात आप प्रचार है और
दिनेश जी आपकी बात से हम सहमत हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं कि किसान खिलाफ भी जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अपनी मांगे, जमीन नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन किसानों के बीच ये मैसेज नहीं गया है, ये आप जानते हैं, आपके नेता जानते हैं, आपके आपके मंत्री जानते हैं, लेकिन किसान जो है किसान इस बात को नहीं जानते हैं, इसीलिए वे आंदोलन करने के लिए सड़क पर उतर गए। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी के स्तर पर मोदी जी जिस तरीके से संदेश दे रहे हैं, जिस दिन बीजेपी, जिस दिन कांग्रेस ने अपनी यहां पर आंदोलन किया था और जिस दिन सभाएं की थी किसानों के साथ मिलकर, उसी दिन मोदी जी ने भी अपने सांसदों को संबोधित किया था और इस बिल के बारे में बताया था और ये सोच के बताया था कि इस बिल में जो विरोध किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसकी सफाई हमारे नेता किसानों तक या जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इस कनेक्ट को स्थापित करने में असफल रहे, जिसकी वजह से जो है विरोध इतना ज्यादा होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो ऊपर से संदेश आ रहा है उसको नीचे तक कन्वे करने में कहीं ना कहीं असफल रहे हैं, तभी ये इतना कायोस जो है वो निकल करके आ रहा है? मुकेश जी मैं कहना चाहता हूं कि जो है जो हमारा कार्यक्रम आने वाला है जनसंपर्क के माध्यम से, हम किसान के बीच में जाने वाले हैं, किसान पंचायत लगाएंगे। ये जो राहुल बाबा झूठा प्रचार कर रहे हैं, ठीक है आप जाएंगे दिनेश जी, आप जाएंगे इसका मतलब अभी तक गए नहीं है, जो हम कह रहे थे वो आपने कह दिया। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ज्योति जी आपसे, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम वंदे मातरम में। जी नमस्कार। ज्योति जी बताएं, जिस तरीके से आज आपके नेता काफी लंबी छुट्टी के बाद काफी आक्रोशित दिखे और काफी कहे जो अटैकिंग मूड में दिखे और इस भूमि अधिग्रहण बिल पे लेकर के उन्होंने काफी कुछ कहा है, आप निश्चित तौर पे जो बीजेपी कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, जो आप जैसे नेता थे, वो जो बुझे से थे, शायद आज कुछ चार्ज हुए होंगे उनके बयान से। क्या आपको लगता है जो जिस तरीके से राहुल जी लौट के आए हैं, आप लोगों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, ये बिल पे लेकर के विरोध का जो स्तर है वो कहां तक लेकर के जा रहे हैं आप? आपको मुकेश जी, पहले तो मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं आक्रोश का, वो आक्रोश राहुल गांधी जी का, वो किसानों का आक्रोश है। जो हर नेता अपने आम जनता की आवाज को सुनता है और उस आक्रोश, जिस आक्रोश की बात कर रहे हैं, वो आक्रोश तो किसानों का है। अभी मैं किसी भारतीय जनता पार्टी किसी जो साहब बात कर रहे थे, मैं दो तीन बातें बहुत जो इस कैटेगोरिकली कहना चाहता हूं। आप देखें, जब ये प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक लाख हेक्टेयर के बारे में बात करते हैं नुकसान हुआ, और जो आंकड़े आ रहे हैं वो 1,80,000 हेक्टेयर नुकसान हुआ। अब मैं प्रधानमंत्री जी की बात माने, कांग्रेस पार्टी या किसान माने, या फिर जो आंकड़े। ज्योति जी, ये तो आप अपने राहुल गांधी की बात को दोहरा रहे हैं यहाँ पर, इसकी सफाई जो है लोकसभा में किसी मंत्री दे चुके हैं ऑलरेडी। बात कर रहे हैं नहीं, ये इसकी सफाई तो ऑलरेडी दे चुके हैं आप, वो भी सुने होंगे, इसकी सफाई दी जा चुकी है। बात मुकेश जी, मेरी बात तो आप सुन ले, मेरी बात सुन ले, आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात सुनते रहते हैं। ज्योति सिंह जी आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत जी। नरेश जी स्वागत है आपका वंदे मातरम में। नरेश जी, जिस तरह से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का चारों तरफ विरोध किया जा रहा है, जो ये अगर बात करें मोदी सरकार के अध्यादेश की, तो कितने सहमत हैं आप इससे? नहीं, हम तो ज्यादा सहमत नहीं जी। एक तो बताओ, हमने तो बताया था भाई, किसानों को बिना सहमति के अगर जमीन ली जा तो इसका तो हम तुरंत विरोध कर रहे हैं, इसकी तो कोई बात नहीं। हम लोग है जमीन उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहता। अगर कहीं वैसी जमीन हो उसका अधिग्रहण करो, कम से कम किसान की मर्जी के बिना इसकी भूमि लेकिन टिकैत साहब सबसे पहले तो यही कहा जा रहा है कि वो भूमि अधिग्रहण की जाएगी जो सरकारी जमीन होगी, उसके बाद जो है फिर उसके बंजर भूमि की जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तब एग्रीकल्चर लैंड को अधिग्रहण किया जाएगा। इस बात की तरफ भी तो गौर कीजिए। अच्छा नहीं, एक तो बताओ, हम विकास में तो बाधा नहीं बनते, हमें कम से कम जमीन, हमें भी तो बताओ भाई, जमीन कहीं के लिए क्या, ये यहाँ से कहीं बुच्चड़ खाना लगाने लगे तो उसे थोड़े लगवा देंगे हम। कम से कम ये तो बताओ भाई, कहीं के लिए जमीन क्या, कितनी जमीन क्या, सर किसानों तो सौदा करो उस बात का। चलो ठीक है भाई, किसानों का परता खावे तो वे दे भी देंगे। ये जो दाद लाई चीज है, जो हजारों साल से बोते खाते आ रहे, उसे
ये जबरदस्ती रकबा इनके किसानों की कुछ मर्जी के बिना, उसमें जो हाईवे है उस पर एक किलोमीटर इधर एक किलोमीटर, मतलब एक बिना मतलब का एक भद्दा मजाक किसानों के साथ में किया जा रहा है। ठीक है जी, देखिए जो बिल है ये जो बिल है एक तरह तो एक बगावत हो जाएगी। ठीक है सर, क्या आपको लगता है कि 70% आबादी किसानों की है और पूरी जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो कृषि आधारित है, फिर भी जो हमारा जो ग्रोथ है हमारे देश का वो ग्रोथ जो है उस लेवल को नहीं जा पाया है जो अचीव हम करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का ग्रोथ करना भी जरूरी है। ऐसे में अगर इंडस्ट्री लगती है तो सरकार को जमीनें इसी धरती पे चाहिए जो उनके पास है, जो किसानों के पास है, जो सरकार के पास है, जो बंजर लैंड है, चाहे जो आम लोगों के पास है। तो सहयोग तो इसमें सबको देना होगा, अगर आप एक समग्रित विकास चाहते हैं तो सहयोग सबको करना होगा। क्या नहीं लगता कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम मिल बैठ करके सुलझाएं, बीच का रास्ता निकालें, बशर्ते कि हम रोड पे जाकर के सीधा विरोध करें इसका? नहीं, हम तो एक तो बताओ, हम विरोध तो नहीं कर रहे किसी बात का। ये तो जमीन काफी जमीन पड़ी, बताओ जब एक किलोमीटर का ये सड़क रख रहे, सड़क के एक किलोमीटर इधर एक किलोमीटर इधर, रेलवे लाइन पे एक किलोमीटर इधर एक इधर, ये बिना मतलब के ये जो वो बना रहे बात, तो कम से कम जो इंडस्ट्रीज के लिए चाहते हमें तो बताओ भाई। हाँ, इस जो जमीन लगाऊंगे साहब, जो जमीन अधिग्रहित की जाएगी यदि, तो फिर आपको मुआवजा भी मिलेगा उस जमीन, वो जिसकी जमीन अधिग्रहित की जाएगी उसको नौकरी भी मिलेगी वहाँ पे, तो जो विकास होना चाहिए जरूरी है कि आप खेत से... कहीं कुछ नहीं कर रहे। मेरठ में शताब्दी नगर में इन्होंने विकास की बात करी, 700 रुपए मीटर में जमीन लेके और उस जमीन को 30,000 रुपए मीटर में बेच रहे, तो बीच के दलाली क्यों कर रहे हैं? जी ठीक है साहब, लेकिन बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर यही कहना है कि ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में। हमारे साथ दिनेश दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे टिकैत जी का? देखिए, जो किसान बिल पास हुआ था, उस किसान बिल में पूरे सारे देश के मुख्यमंत्री भी आए थे और किसान यूनियन के लोग भी उसमें थे, सभी लोगों के सहमति से वह बिल पास हुआ था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। और किसान का जो 2013 का जो किसान की दिनेश जी, किसान की सहमति से कब बिल पास हुआ? किसान के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, ये तो बाद की बात होगी। हमारे साथ ज्योति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी वो बिल्कुल सुन पा रहे हैं और काफी मैं आपके डिबेट को मैं सुन रहा हूँ। मैं दो तीन फैक्ट बहुत ही कैटेगोरिकली मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखें, ये कोई आज की बात नहीं है जो आज राहुल गांधी जी ने उठाया है। ये जब महात्मा गांधी जी भी जब थे तो ये भी किसानों के लिए ही, ये पूरा देश जो आज 67 जो आप 70% बता रहे हैं वो एक्चुअली 67% देश में किसान है। और ये किसान की लड़ाई केवल आज नहीं लड़ी जा रही, ये महात्मा गांधी भी चंपारण से शुरू किए थी जब नील की खेती की, आपको अगर याद होगा। आपको मैं बताऊं कि जो 2013 में जो ग्रोथ यूपीए गवर्नमेंट के समय 4.6 थी, आज बीजेपी के एक साल हो गए उसमें 1% ग्रोथ है। आप देखो, जिस समय यूपीए का था, जब बुरी हाल हो रहे थे किसानों के, जब उनके फसल और जब उनके सुसाइड हो रहे थे, तो उनमें 70,000 करोड़ रुपया लोन दिया गया था। अब आप देखो, बीजेपी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स तो कम कर रही है लेकिन किसानों के लिए क्या कर रही है? किसानों के लिए इन्होंने क्या बताया? लेकिन साथ में आप जो फैक्ट दे रहे हैं वो तो सही है, लेकिन साथ में ये भी तो सच है कि किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या आप ही के रिजीम में किया है, कांग्रेस के रिजीम में किया है। जब विदर्भ में जब आत्महत्याएं हो रही थी तो कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो उस बात वो ज्यादा हो रही थी कि कम हो रही थी, मैं उस तुलना में नहीं जा रहा। नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा ज्योति जी, आपको जाना पड़ेगा, वो ही किसानों की ही बात है। मुकेश जी, गवर्नमेंट का अप्रोच था कि 70,000 करोड़ उस समय भी लोन दिया। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट कहती है कि किसी भी इलाके में अगर 70% फसल नुकसान हो जाएगा उस इलाके में, तब वहां पर मुआवजा। आप मुझे बताएं कि किसी किसान को आप 100 रुपया दे रहे हैं, किसी किसान को 50 रुपया दे रहे हैं, किसी किसान को 200 रुपया दे रहे हैं, ये मुआवजा होता है? रविंद्र भाटी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से किसानों को नुकसान हुआ था और सरकार ने जिस तरीके से मुआवजा बांटे थे, 26 रुपया, 46 रुपया, 102 रुपया, क्या कहेंगे? किसानों का मजाक उड़ा रही है सरकार? बिल्कुल किसानों का मजाक उड़ा रही है। और मैं तो ये अपनी तरफ क्या पूरे किसानों की तरफ से कहना चाहता हूँ,
कि किसान पूरे देश का पेट भरता है, सबको अन्न पैदा करके देता है और उसकी रोजी रोटी भी, उसके बच्चों की, उसकी पढ़ाई वो भी उसी से चलती है। कम से कम इस पे तो राजनीति ना करें, इस पे तो कम से कम उनके बारे में सोचें। जी आप ही की बात ज्योति सिंह जी कह रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या आपको लगता है अगर ये इस जरूरत पड़ी तो इस बिल का विरोध करने के लिए जो किसान संगठन है वो कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और मिल करके बीजेपी का विरोध करेंगे आप लोग? हमको इस भूमि अधिग्रहण बिल में जो भी किसान का अहित लगेगा, जिस क्लॉज से भी अहित लगेगा, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब आप ही बताइए मुकेश जी, एक इसमें है 5 साल तक जमीन आपने अधिग्रहण कर ली और 5 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, उसका क्या करेंगे? किसके लिए रोक के रख रहे हैं आप बताइए? कॉरपोरेट के लिए रख रहे हैं, नहीं रख रहे? या तो आपको उसको वापस कर दो किसान को। अब आप 5 साल रखने के बाद भी उसको वापस नहीं होगी, इसमें किसका फायदा? भाटी जी इसमें ये भी तो बात है, अगर वापस कर भी दें हम, अगर चाहे इंडस्ट्री लगाएं या ना लगाएं, लेकिन जरूरी तो हम इस बात को बिल्कुल हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप अधिग्रहित कर रहे हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए और 5-5 साल तक आप उस पर काम नहीं शुरू करते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात को भी देखना चाहिए और मुझे लगता है कि ये पुरानी बात है, अब सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है कि अगर जमीन अधिग्रहित की जाए तो उस पर एक समय फ्रेम के भीतर ही जो उस पर डेवलपमेंट के कार्य भी हो। फिलहाल हमारे साथ ज्योति सिंह जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रचना हमारी सहयोगी हमारे साथ में है। रचना जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार किसान की जो बर्बादी हो रही है, किसान की जो आत्महत्याओं का सिलसिला है जो वो बदस्तूर जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लाख दावे जरूर करे लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो शायद नजर नहीं आती है। हम सीधे चलते हैं लखनऊ जहां पर दिनेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और नावेद सिद्दकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दिनेश दुबे जी, अगर बात करें किसानों के हित की, तो मुआवजा, ये कहा जाता है कि मुआवजा जो है लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही नजर आती है। चेक बांटे जाते हैं 75 रुपए के, 200 रुपए के, 100 रुपए के, आखिरकार ये किसानों के साथ मजाक ही तो है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार ने 100 रुपया 75 रुपया के जो चेक बांटे हैं वो निंदनीय है। किसानों के साथ क्रूर मजाक, किसानों के साथ क्रूर मजाक है, किसानों के साथ हंसी उड़ा रही है सरकार, या अखिलेश की सरकार किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी है, इसलिए यह सरकार, यह सरकार से किसानों का विश्वास भरोसा हो चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो मोदी जी का किसान के हित में है और मोदी जी प्रत्येक दिन किसानों के हित की चिंता करते हैं। जी दिनेश जी, दिनेश जी आपकी बात से अगर हम सहमत भी हैं तो अगर इस बात की, इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि लगातार किसानों के हित की बात कही जाती है, किसानों के साथ खड़े रहने की बात की जाती है, प्रदेश के, देश के एक एक नागरिक के साथ खड़े होने की बात की जाती है, लेकिन जब भारी ओलावृष्टि हुई, बरसात हुई, किसानों की फसल एकदम चौपट हो गई, तब क्यों नहीं नरेंद्र मोदी खुद किसानों से मिलने गए, क्यों विदेशी दौरे पर वो पहुंच गए? आखिरकार इस बात को लेकर भी सवाल चारों तरफ से उठ रहे हैं। देखो इस घटना की जानकारी नहीं थी, यह घटना जैसे ही मोदी जी विदेश से चिंतित हुए और सारे लोग, सारे मंत्रियों को सर्वे के लिए भेज दिए, पूरे देश में सारे मंत्री गए सर्वे किए, सर्वे की रिपोर्ट लेके आए, 60,000 करोड़ मोदी जी की सरकार ने दिया है, यह सरकारें बांट कर रही है, सरकारें छुपा रही है और राहुल माता तो सही कह रहे हैं आप। मोदी जी चिंतित भी दिखे और उन्होंने राज्य सरकारों को निर्देश भी दिए कि मुआवजे सही से बांटे जाने चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि लोकसभा में तो आपकी मेजोरिटी है, वहां से आप अपने अध्यादेश को पास भी करा रहे हैं, लेकिन क्या राज्यसभा में जो मेजोरिटी आपकी नहीं है, अल्पमत में है, वहां पे है, तो क्या विपक्ष को साथ लेने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, कब तक लगता है कि ये बिल जो है क्या इस सत्र में, मौजूदा सत्र में जो है बिल आप पास करा लेंगे, इस तरह की कोई बातचीत हो रही है? देखिए हमने सुझाव मांगे हैं, मोदी जी ने सभी से सुझाव मांगा है, सारे मुख्यमंत्रियों से बात की है, जितने किसान यूनियन है उनसे भी बात की है, अगर कोई सुझाव देना चाहता है, हमारे भूमि अधिग्रहण बिल में कोई कमी है तो सुझाव दे और सुझाव सबका आ जाएगा, हम बिल पास कर देंगे, हम दिल के साथ है और पूरा दिल किसान का विकास का है, किसानों के हित का है और किसान का विकास कैसा हो इसको किसी की चिंता नहीं है। दिनेश जी यही तो बात है, बिल की जो चिंता किसी को नहीं है।
दिनेश जी, बिल में खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, लेकिन खामियां जनता के बीच में विपक्ष जो है काफी एग्रेसिव तरीके से पहुंचा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं इस बात में असफल हो रहे हैं, या कहें जो अपनी बात को जनता तक, जो बिल की जो खूबियां हैं उस खूबियों को पहुंचाने में कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता असफल हो रहे हैं, और यही बीजेपी की चिंता है और जो मोदी जी की भी चिंता है जो उस दिन उन्होंने जाहिर की थी। हमारे साथ भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या लगता है सही में आप जिस तरीके से बिल के एक पक्ष की बात कर रहे हैं, क्या आपको कोई खूबी नजर नहीं आती है इस बिल में, या जो 2013 का बिल था और 2015 का जो बिल था, अगर आप कंपेयर करते हैं आप दोनों के बिलों में, तो आप क्या दोनों बिलों की खामियों और खूबियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल था, उसमें किसान के पक्ष ज्यादा रखे गए, अच्छी तरह रखे गए हैं और उनसे पूछ के रखे गए हैं, और जो ये केवल 30% लोगों का बिल है, 70% लोगों का बिल इसे नहीं कह सकते। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दूंगा, अभी महोबा जिले में कल परसों ही टीवी पर शायद चल रहा था न्यूज में कि एक किसान की मृत्यु, उसका बैंक वाले ट्रैक्टर लोन पे ले रखा था, वो उसके पैसे नहीं दिया पाया। भाटी साहब, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ किशनवीर चौधरी किसान नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशनवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। नमस्कार जी। किशनवीर जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से भूमि अध्यादेश सरकार लेकर आई है मोदी सरकार, और 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल की बात की जाए, तो आप किस बिल से सहमत हैं, आप किसके साथ हैं? देखिए, सवाल है देश के विकास का, किसान के अधिकार का, दोनों चीजें हैं। किसान और उद्योग दो पहिए हैं एक गाड़ी के, हमको बैलेंस रास्ता अपनाना होगा, और स्थिति ये है कि किसान को भी सहभागी और सहयोगी लेना होगा, क्योंकि किसानों के लिए भी सड़कें भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, डैम भी चाहिए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ किसान का उसका हक जो है, उसमें जो उसकी मर्जी है, सरकार उसको साथ लेके क्यों नहीं, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें सवाल वो नहीं है कि 60% है, 70% है, 80% है, सवाल ये है कि विकास चाहिए, और देश को पूरी तरह हमने आयात पर निर्भर अगर हम बनाएंगे, 41% नौजवान इस देश का है जो कृषि घाटे का सौदा हो गई है, वो खेती से बाहर आना चाहता है, तो उसको बाहर लाने के लिए हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री तो प्रमोट करनी पड़ेगी, देश के डेवलपमेंट के लिए भी, किसान के भले के लिए भी, लेकिन किसान को उसकी जमीन का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण अब तक की जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि पहले इस देश में 5 लाख हेक्टेयर भूमि का जो अधिग्रहण किया गया, वो लूट मचाई यूपीए की सरकार ने जिस तरह से, और वो कौड़ियों के दाम पर जो है वो किया गया, कहीं मुआवजा किसानों को नहीं दिया था यूपीए की सरकार में, जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर और तमाम भूमि अधिग्रहण हुई वो लूटा गया था, और उस लूट की वजह से किसान त्रस्त रहा है। अब तो परिस्थितियां और बहुत हैं जी। चौधरी साहब, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूपीए और एनडीए के बीच किसान पिस चुके हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर किसान के ऊपर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है भूमि अधिग्रहण बिल की आड़ में? पूरी तरह से भूमि अधिग्रहण के नाम पर कांग्रेस राहुल गांधी को जो निर्वासन कर दिया गया था उसको स्थापित करने के चक्कर में लगी है, ये पूरा राजनीति का ढोंग है। क्यों? उनका कारपोरेट का एजेंडा था, उन्होंने पूरी लूट मचाई 10 सालों तक, और किया क्या उन्होंने है? और उस लूट के लिए आज वो क्या सफाई देना चाहते हैं? इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इन्होंने किसानों को सिवाय बर्बादी के दिया क्या है? अगर आज किसान इस दुर्गति में है और किसान कर्जे में मर रहा है, तो उसके लिए वो शासक जिम्मेदार नहीं है क्या, जिन्होंने शासन किया इस लंबे समय तक इस देश में? कांग्रेस की नीतियों की वजह से आज किसान बर्बाद है। क्यों रॉ शुगर का इंपोर्ट करवाया था कांग्रेस ने, आज 19,377 करोड़ का पिछले साल का बकाया हो गया है, और 1,670 करोड़ का पहला, 21,000 करोड़ का अकेले उसका बकाया, सिर्फ एक रॉ शुगर का इंपोर्ट खोल देने से। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब तक जो किसानों की जो दुर्दशा है उसके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन जिस तरीके से राजवीर जी आप बता रहे थे कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, जो इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, आपको नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार जो मोदी की है उनको इस बात को किसानों के बीच में रखने के लिए, कन्वे करने के लिए एक सूचना तंत्र या एक इस तरीके का पैसेज बनाना चाहिए जिससे किसानों तक ये बात पहुंचे? क्योंकि अभी जितने भी लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, मुझे यही लग रहा है कि किसानों के बीच में वो चीजें बिल्कुल जा नहीं पा रही है जिस तरीके से आप कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, काफी कन्विंसिंग है आपके इस लॉजिक से। अगर ये बात सरकार की तरफ से किसानों के बीच में जाए तो मुझे लगता है बीच का रास्ता निकल सकता है। मेरा कहना यह है
कि सरकार में एक दिक्कत क्या होती है कि जो लोग नीति तय करते हैं उन्हें इस देश के किसानों की हकीकत का ज्ञान नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि नेशनल लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बनाना चाहिए, नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। उसमें तय हो जाना चाहिए कि हमको एग्रीकल्चर के लिए कितनी एक परमानेंट सेटअप, हमको एक अथॉरिटी इसके लिए बना देनी चाहिए तत्काल, और वो 6 महीने के अंदर ये तय कर दे कि हर देश के हर जिले के अंदर कितना एग्रीकल्चर आवश्यक है, कितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, कितना रेजिडेंशियल चाहिए, कितना कमर्शियल चाहिए। अब बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, कोई सेटअप हमारा है नहीं, कोई प्लानिंग हमारी है नहीं। हमने पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर लाखों एकड़ जमीन को लूटा और कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना एम्प्लॉयमेंट हुआ, कुछ नहीं। 75% जमीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पर। कृष्णवीर जी, आपने एक आखिरी सवाल, एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहेंगे, आगे की रणनीति किसानों की क्या होगी? पड़ी है उस पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, उसके बाद जो सरकार की लैंड है उस पर करिए, उसके बाद जो वेस्ट लैंड है, बंजर भूमि है, उस पर करिए, और लास्ट चॉइस जो है, मैं इस बात से सहमत हूं सरकार की, प्रधानमंत्री की खासतौर से, कि उन्होंने कहा कि कृषि की जो बहुफसली भूमि है वो लास्ट चॉइस होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि किसानों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, किसानों को बिजली नहीं चाहिए, किसानों को सड़क नहीं चाहिए, किसानों को डैम नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। आखिर कब तक उनको पिछड़ा और बैकवर्ड रखोगे? जिस तरीके से खेती इतना बोझ अब ढोने की स्थिति में नहीं है जितनी आबादी बढ़ रही है। खेती पर एक व्यक्ति को निर्भर होना चाहिए एक परिवार में, दूसरे लोगों को दूसरे जॉब देने के लिए सरकार को नीति अपनानी पड़ेगी। जी कृष्णवीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप ही हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है वंदे मातरम इस कार्यक्रम में, बताइए क्या है आपकी राय इस प्रोग्राम को लेकर और इस टॉपिक को लेकर? जी मैडम, मेरा कम से कम 48 एकड़ जमीन है जिसकी चेक अभी तक 220 रुपये आई हुई है, जो 2 महीने हो गई आज तक, कभी वो बैंक में जाते जाते हो जाता है, अभी पैसे नहीं आए, अभी ये नहीं हुआ, ये सारी चीजें मिलती हैं, अभी खाते में आपके पैसे नहीं आया, ये सब हो क्या रहा है? किसानों के साथ अपना माल बेचने जाते हैं, गेहूँ है तो वो भी उसमें कहते हैं इसमें मिलावट है, ये उसको 10% मिलेंगे, 15% मिलेंगे। बिल्कुल, ये राहुल थे हमीरपुर से जो अपनी समस्या बता रहे थे, और राहुल की तरह और से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके साथ इस तरह की सिमिलर समस्या है। हम अपने PCR को कहेंगे कि यदि हमारे जो नंबर्स है उस नंबर से यदि मेल आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, तो वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो एक वर्चुअल नंबर हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, उस नंबर पे आप SMS करके सीधे अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vmsadhana@gmail.com, इस पे भी आप अपनी राय रख सकते हैं, और सीधे फोन लाइन जो TV स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आपको, उसके जरिए आप सीधे हमसे भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भाटी जी, जिस तरीके से कृष्णवीर जी कह रहे थे कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत है, सरकार को जिले स्तर पर यह तय कर देना चाहिए कि कितनी जमीनें जो है वो इंडस्ट्री के लिए चाहिए, कितना जमीन एग्रीकल्चर के लिए चाहिए और कितना जमीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, कैसा आपको लग रहा है, क्या ये इस फार्मूले पे चलना चाहिए? कृष्णवीर जी की बात से सहमत है, इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए, लेकिन वो तय हो, पता हो हमें कि ये जमीन इंडस्ट्री के लिए ली जा रही है। यहाँ क्या हुआ, पीछे नोएडा के अंदर इंडस्ट्री के लिए जमीन ली गई और बिल्कुल हरपाल सिंह को दे दी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक दर्शक हापुड़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताएं, सुनने आपको, तो बताइए क्या कह रहे हैं। मेरी क्रेडिट कार्ड की समय से पहले वो आरसी काट दी गई और अमीन लक्षलियों फिर है और बहुत पैसा जमा कर दिया और अभी और ब्लड डंडालियों पर सरकार कह रही है इन्हें ढील दो और ब्याज माफ कर दो इनका। चलिए, तो हम आपकी इस बात को जहां हमारे चैनल के जरिए बात जो है और लोगों तक पहुंच रही होगी और सरकार का कोई अगर शख्स अगर देख रहा होगा तो उन तक भी ये बात पहुंच गई होगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी बात वहां अथॉरिटी तक पहुंचा दी जाए। फिलहाल हम बताते हैं, जी भाटी बताएं, भाटी जी क्या बता रहे थे आप? जी, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, किसानों को बच्चों को रोजगार मिले, उनका ये जो ओला या बरसात हो रही है उस पर निर्भर ना हो, वो एक स्थिति ऐसी है कि यदि मेहरबान होगी बारिश तो सारा नष्ट हो जाता है पूरे साल का उनका जो भी उनका इनकम होती है, तो इसमें इंडस्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तय हो, मापदंड हो। अब ये परसेंटेज हो, अब इतने परसेंट में इंडस्ट्री लगेगी, इतने में ग्रुप हाउसिंग, इतने कॉमर्शियल। यहाँ क्या है, ग्रुप हाउसिंग पे ज्यादा जोर है और इंडस्ट्री पे जोर है ही नहीं।
किसी का भाटी जी फिर जो आपको रोकना चाहिए, एक दर्शक फतेहपुर से रतन लाल जी जुड़ गए हमसे। हाँ जी रतन लाल जी बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, कुछ तकनीकी खराबी है उसके। भाटी जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भाटी जी जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंदीग्राम और सिंगूर की अगर बात करें, वहां पे भी भूमि अधिग्रहण को लेकर के काफी बवेला हुआ था, काफी हंगामा मचा था और वहां से इंडस्ट्री जो टाटा वहां अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहती थी वो वहां से उनको जाना पड़ा, दूसरी जगह जाकर के उन्होंने प्रोजेक्ट लगाया। टाटा तो अपना प्रोजेक्ट दूसरी जगह लगा करके जो मुनाफा उनको कमाना था वो तो कमा रही है, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम की हालत जो है आज वैसी ही है जैसा वो पहले थी। विरोध के बाद क्या मिला, नंदीग्राम को क्या मिला, सिंगूर को क्या मिला? उनकी जमीनें तो उनके पास रह गई लेकिन क्या वहां गरीबी दूर भी, क्या जो कृषि के जरिए जो है उनका भला हो पाया, हम इस पे आपसे जवाब लेंगे। लेकिन पटना से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक जी। अशोक जी बताएं। तो ये है आप लोगों की, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ सब पार्टी के लोग लगे हुए हैं, एक बात समझ में अभी तक नहीं आया कि ये जो मोदी सरकार कर रही है बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने इनको जिताया था, ये जो पिछला कानून बना और अब जो बना है जो आप लोग टीवी में दिखाते हैं, किसानों को किसी भी परिस्थिति में कानून के दायरे में नहीं आना है। अगर हमारी जमीन को जबरदस्ती ली जा रही है जी या सरकारी अधिकारी गलत कर रहे हैं तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो ये तो सीधे सीधे मेरे अधिकार का हनन हुआ ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल की आधी अधूरी बात है जो आप तक पहुंची है। मुझे लगता है कि बिल को आप अगर जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। मुकेश आपको यहाँ रुकना चाहूंगी, चलते चलते न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर लें तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि कितना समर्थन मूल्य अब तक किसानों को मिलता है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि समर्थन मूल्य का जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, साल 2012-13 की बात की जाए तो धान 1360 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, वहीं अगर कॉटन की बात की जाए, कॉटन या कपास की बात की जाए 3750 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गन्ना 220 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 2012-13 का न्यूनतम समर्थन मूल्य रहा है। लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी चर्चा होती रही है। 2013-14 की बात करें तो 1350 रुपए प्रति क्विंटल धान मिलता रहा है, जबकि गेहूं की बात करें तो 1400 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं कपास 3750 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं गन्ना 210 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से समर्थन मूल्य रहा है। समर्थन मूल्य को लेकर भी राजनीति अक्सर होती आई है और कहीं ना कहीं किसान भी पिसते रहे हैं समर्थन मूल्य को लेकर। बिल्कुल, तो फिलहाल ये समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे, हालांकि अधिग्रहण बिल से इसका कोई सीधा लेना देना नहीं है, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय की कमी है, हम अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे ईमेल के जरिए आप लिख सकते हैं, भेज सकते हैं हम तक, और जो SMS के जरिए भी जो है आप हमें भेज सकते हैं अपनी राय, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हम तक जरूर दें। फिलहाल इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपने तमाम दर्शकों और तमाम जो हमारे मेहमान हैं जो स्टूडियो में लखनऊ से हमारे साथ जो जुड़े थे वो, और भाटी साहब रविंद्र भाटी साहब जो हमारे दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े, उन तमाम दर्शकों और तमाम मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।